हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बहुत ही बेसिक सा चीज़ मैं बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलने वाला है पूरे आगे के आगे वेक्टर कैलकुलस के पूरा चैप्टर में। वो चीज़ एक ही चीज़ है, वो की है इस चैप्टर का, वो है डेल ऑपरेटर। अगर आप डेल ऑपरेटर को समझ लिए तो आप समझे आपने पूरा वेक्टर कैलकुलस को अच्छे तरीके से समझ लिया। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है वेक्टर कैलकुलस का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर होता है डेल, उसको उल्टे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल जो होता है वो बिहेव करता है वेक्टर के जैसा, ठीक है। और डेल को जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। यहाँ तक ये तीन बातें याद रखिए आप। उसके बाद देखें, उसके बाद आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा जिससे आप बताऊंगा कि जैसे आपने पहले पढ़ रखा है उसी से मैं रिलेट करवा दूंगा। कुछ भी नया चीज़ नहीं है इसमें डेल ऑपरेटर में, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर का जो हम लोग पूरे जो इस चैप्टर में वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर में जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डेल मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर के साथ या फिर वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके। स्केलर को हम लोग स्केलर फील्ड भी बोलते हैं या फिर स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। स्केलर सिंपली याद रखना है, स्केलर चीज़ है कुछ भी, ठीक है। उसमें आई जे के कैप का नाम का चीज़ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं उसका, ठीक है, सिर्फ स्केलर है वो। तो स्केलर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पी एक्स स्केलर है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई किए इस डेल को, तो वो सिंपल डिफरेंशिएट करेगा। मैं इसमें इंट्रो दे रहा हूँ, मैं इसमें कुछ सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें आपको एक सिंपल सा जनरलाइज्ड आइडिया दे रहा हूँ कि आइडिया दे रहा हूँ उसमें होगा क्या, ठीक है। तो जब भी डेल सिंपल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो उस चीज़ को वो डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है। और उसे डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज़ आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पी। इस सवाल में स्टाइल मार के लिखा रहेगा फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी। तो आपको क्या करना है, सिंपली डेल से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। स्केलर फील्ड के साथ जब भी मल्टीप्लाई हुआ डेल मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ पे, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी ये कैसे फाइंड हो रहा है ये ग्रेडियंट, उस चीज़ का मैंने वीडियो बना के रखा है, नीचे दिया हुआ लिंक आप देख सकते हो कि ये चीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखना है इसमें ये कि हम लोग स्केलर के साथ जब भी डेल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर फील्ड के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर फील्ड मतलब वेक्टर पोटेंशियल, सॉरी वेक्टर पॉइंट फंक्शन या फिर वेक्टर फील्ड या फिर सिंपली वेक्टर, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना, सिंपल वेक्टर मतलब वेक्टर, मतलब आई जे के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा वो वेक्टर। अब उसके साथ हम लोग डेल मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैंने अभी बताया कि जो डेल है वो वेक्टर के जैसा बिहेव करता है, तो वेक्टर के जैसा बिहेव करता है और यहाँ जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ उसके साथ हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है हमारे पास मैथ्स में, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। यहाँ हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया डेल इंटू पी, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि दो वेक्टर सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे 5 न्यूटन फोर्स इंटू 5 न्यूटन फोर्स, ये को मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। 5 न्यूटन का फोर्स इंटू 5 न्यूटन फोर्स का हम लोग या फिर डॉट ले सकते हैं या फिर क्रॉस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो डॉट ले रहे हैं हम लोग, तो डेल डॉट एफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस, और उसको हम लोग सिंबलिकली इसको लिखते हैं डी आई वी एफ। डाइवर्जेंस इसका लैंग्वेज है, इसका जो हम लोग डॉट लेंगे, दो वेक्टर है उसके बीच में हमें डॉट लेना आता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेना आ गया, उससे जो चीज़ आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस, और उसको हम लोग सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैंने एक दिया आइडिया, वो सिंपल आइडिया ये है कि जब भी वेक्टर फील्ड मल्टीप्लाई, जब भी हमें क्वेश्चन में डाइवर्जेंस पूछा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेल के साथ हम लोग डॉट ले लेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इस डाइवर्जेंस को मैंने और भी अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट किया है, उसे आप नीचे लिंक दिया हुआ लिंक उसमें आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ डाइवर्जेंस मतलब होता है डेल और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस एफ, उसको बोलते हैं हम लोग कर्ल या फिर कर्ल एफ। क्वेश्चन से पूछा रहेगा फाइंड द कर्ल ऑफ एफ, तो आपको क्या करना है, इस डेल ऑपरेटर को करना है इसके साथ एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इस चीज़ को मैंने और भी अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट किया है, नीचे दिया हुआ लिंक उसको आप देख सकते हैं कि किसी भी एफ फंक्शन का, फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, एफ वेक्टर का कर्ल कैसे फाइंड करें। कर्ल के लिए क्या करते हैं हम लोग,
क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सबको करना आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने इस तरीके से इस चीज़ को किया रिलेट कि जब भी आपको ग्रेडियंट पूछा रहेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, डाइवर्जेंस पूछेगा तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और कर्ल पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ये चीज़ का आइडिया में रखना, अपने दिमाग में रखना है, और डेल का वैल्यू हमेशा ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपको कोई भी सवाल वेक्टर कैलकुलस में आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ये जो रहा बात ग्रेडियंट कैसे करेंगे, डाइवर्जेंस कैसे करेंगे और कर्ल कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है, नीचे लिंक है उसका, आप देख सकते हो। उसके बाद और भी ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय बाय।